छोड़ जाओ अपने अपने और खेरे उधर लगाई दे ये आधा आधे पर है ये आधा है आधा पर सी हटाई दे ले जा उधर बनवा दे अपने आधा और हटाई दे बस हम अपने चेक कर रही है ना है हमारे चेक रोट ना है चल हमारे चेक रोट है ना है ऊपर ऊपर चल हमारे चेक रोट ना है ना हमारे माधव ना अपन के चरम होते अपन ले जाए हमारे ना है ना हमारे माता आधे पर ना बस चक्कर है जहाँ पाऊँ हम आए हे बंटी हे बंटी ये काटे ना तो हमारे चक्रोट ना है ना हाँ बीच में हमारे चक्रोट ना मामला ग्राम प्रधान प्रधानपति मुलायम यादव हमारे जमीन से सीधे सीधे एकदम जबरदस्ती खड़ंजा बिछवा रहे हैं और दबा किसी का भी है और खुटहन खुटहन थाना खुटहन डिहिया ग्राम सभा का हत्यारा है और वो जबरदस्ती हमारी जमीन में सीधा सीधा बेगर पैमाइश का चक रोड बनवा दिए उस पर खड़ंजा बिछवा दिए और मैं मना किए बोले चाहे जहाँ जाओ और मैं बनवाऊंगा जब न पाओ अपना खड़ंजा जो आपके खेतों में बिछाया जा रहा है हमारे बीच खेत में एकदम सीधा सीधा बिछाया जा रहा है। आपने कहा था एप्लीकेशन दिया इसके बाद मैं डीएम साहब को भी दिया डीएम साहब को भी एसडीएम साहब के यहाँ आया है और एसडीएम साहब के यहाँ आया है मैं गया था एसडीएम साहब के यहाँ मुलाकात किया मैं बोला सर एप्लीकेशन आया है बोले चलो ठीक है मैं देखता हूँ मैं आपके जमीन पे कोई आदेश उदेश दिया है आपका क्या है ये जमीन पे आदेश जो डीडीसी साहब ने मेरी चेक बैठाए उसको दबंग लोग हमको कब्जा लेने नहीं दे रहे मैंने डीडीसी का आदेश है फिर भी कब्जा नहीं लेने तो डीडीसी के आदेश के बाद मौजूद भी हम लोग कब्जा नहीं लेने दे रहे कब्जा नहीं मिला कब्जा नहीं लेने दे रहे फिर उसमें सीधा सीधा चक्रो भी वहाँ प्रधान बनवा दे रहे बोले चाहे जहाँ जाओ मैं बनवाऊंगी खेती पे आपका कब्जा है खेती पे कब्जा है जो खेत है जो हमको जो डीडीसी साहब बैठाए मेरी चेक उस पर हमको कब्जा लेने नहीं थी कब्जा नहीं लेने अच्छा वो उसमें कोई वो जो जोत रहा है उसको सामने वाला वो जोत रहा है हिमालय का डीडीसी का सब दौड़ रहे हैं तो हम इधर ना तो शासन प्रशासन के पास जाता हूँ कि सुनवाई नहीं हो रही कौन है जो जबरदस्ती कौन है वही मुलायम यादव हैं प्रधानपति आज क्या आश्वासन आज डीएम साहब बोले ठीक है आई है तो मैं रिपोर्ट लगा कर भेजूंगा आश्वासन आश्वासन खाली यही दिए हैं दिए हैं क्या पुलिस पुलिस की जानकारी में है मामला पुलिस भी मैं गया पुलिस पास भी गया तो चौकी भी थाना भी गई तो वहाँ पर तो वो सब उन लोग से बातचीत करके वहाँ माने थाने कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं फिर वहाँ से पुलिस लौटी फिर तुरंत काम चालू करा पुलिस लौटने कब का है। मामला है तो आज पाँच छह दिन है पाँच छह दिन से चालू कर रहे हैं दस दिन से मैं दौड़ रहा हूँ दौड़ रहे हैं किस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं प्रशासन से आप प्रशासन से आज दस पंद्रह दिन से प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ न्याय के लिए क्या उम्मीद मैं न्याय यही चाह रहा हूँ प्रशासन से वो खड़ंजा जबरदस्ती बिछाया जाए उसको उखड़ाया जाए अच्छा तो ये प्रशासन क्या बोल रहे हैं प्रशासन बोल रहे हैं मैं थाने पर और चौकी पर गया तो बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब लिखवा के लेकर आओ मैं उखड़वा दूँ एसडीएम साहब क्या बोले यहाँ पर एसडीएम साहब यही बोल रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ लेखपाल की लेखपाल के पास कोई रिपोर्ट आएगी तभी तो कार्रवाई की जाएगी लेखपाल के पास जब यहाँ फाइल पड़ी है फाइल आज 30 तारीख से है एसडीएम साहब पास मगर सुकृत करेंगे तो वहाँ जाएगी लेखपाल कानीगो के पास तब वो सब जाएंगे मौका देखने के लिए मैं गया था लेखपाल कानीगो बोले मेरे पास एप्लीकेशन आएगी तब न मैं जाऊँगा तो क्या मतलब कार्रवाई अगर बात करें तो क्या कार्रवाई की गई
अभी तक कार्रवाई क्या की गई? अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं। आश्वासन मिल रहा है? मैं एक बार और एसपी पास और राजस्व विभाग में दिया था, उसमें मौके पर कोई नहीं गए, उसमें आख्या लिख के भेज दिए कि मौके पर गया, समझा बुझा कर सुलह करा के चलाया, कार सहयोग नहीं मिला, कार रुका है, मगर कार रुका नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला, कोई भी सहयोग नहीं मिला। मीडिया से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया से यही मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन एक शेयर करें हर चैनल पर, और प्रशासन हमको न्याय दे। आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल पाल है, ग्राम रामपुर धवन सिंह, पोस्ट गाजियापुर, थाना सराय खाजा, ब्लॉक करंजा कला, जिला जौनपुर।